बसमिल अज़ीज़ तलबा आपको पता है कि हमने पहले जो है वो पढ़े थे वज़ी अज़म के अख्तियारे पार्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर और उसमें हमने देखा था वज़ी अजम के जो है इंतज़ामी इख्तियार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्स जिसमें हमने ये देखा था कि वो हेड ऑफ़ कैबिनट है यानी काबीना का सरबराह है उसके अलावा काबीना की तशकील करता है यानि कम्पोज़िशन ऑफ़ कैबिनट करता है और वजरा की बरतरफी यानी टर्मिनेशन ऑफ मिनिस्टर्स उसके पास अख्तियार हैं और उसके अलावा क्या है कि तकर्रियाँ और एजाजात जो है अपॉइंटमेंट्स एंड हैं ये भी उसके पास अख्तियार हैं तो जी हमने उस वक्त की थी उसकी पावर्स में यानी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर में हमने तब डिसकस किया था उसकी एग्ज़टिव पावर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या इंतजामी अख्तियार आज हम उसके अख्तियार को आगे लेकर बढ़ेंगे तो उसमें अब जो बाकी अख्तियार हैं वो ये हैं नंबर टू जो है नंबर वन हमने एग्जटिव पार्स पढ़ ली थी अब नंबर टू है लेजस्लेटिव पार्स या जिनको हम बोलते हैं कानून साजी के अखियारा कानून साजी के अख्तियार में आगे दो हैं एक आ गया अप्रूवल ऑफ बिल्स जिसको हम बोलते हैं बिलों की मंजूरी और नंबर टू जो है ये आ गया डिजोलूशन ऑफ नैशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली की बरतफी ये दो उसकी लेजस्लेटि पार्स या उसके जो है कानून साजी के अख्तियार हैं उसके बाद नंबर थ्री जो है उसकी पार्स में से नंबर थ्री जो पार्स हैं वो है फाइनेंशियल पार्स नंबर फोर जो है वो है फॉरेन अफेयर्स नंबर फाइव जो है ये है लीडर ऑफ हाउस नंबर सिक्स जो है ये है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन और नंबर सेवन ये है वेलफेयर ऑफ पीपल तो बेटा आपने जहन में रखना है ये जहन नशीन करना है कि हम जो एक उसकी पार्स थी वो पढ़ी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्स नंबर टू लेजिस्लेटिव पार्स नंबर थ्री फाइनेंशियल पार्स नंबर फोर फॉरेन अफेयर्स नंबर फाइव लीडर ऑफ हाउस नंबर सिक्स ऑफ नेशन नंबर सिक्स सेवन जो है ये है वेलफेयर ऑफ पीपल तो बेटा अब हम देखते हैं वज़ी अज़म के कानून साजी के अख्तियार जिसमें नंबर वन या पहले नंबर पर जो है वो है बिलों की मंजूरी यानी अप्रूवल ऑफ बिल्स वज़़रम आपको मालूम है कि कौमी असम्बली में वो क्या है कि कायद अवान की हैसियत रखता है वो जो है आपको पता है कि वहाँ पर जो है वो लीडर ऑफ़ द हाउस है और कौमी असम्बली के अंदर क्या है कि कानून साजी की जो कार्रवाई है वो वज़र अजम की रहनुमाई में होती है मुसवदात यानी सिक्रप्ट या बिल्स जो है उनको पेश करना उसके ऊपर बहस वबासे इसमें वज़र अजम का कलीदी जो किरदार है वह होता है यानी वज़ी अजम इसमें नुमाया या सबसे अहम जो है वो किरदार अदा करता है आपको मालूम है कि वजी अजम जो है वो कौमी असम्बली के अंदर अक्सरीत वाली पार्टी का सरबरा होता है और बिल भी आपको मालूम है कि वो अक्सरीत से मंजूर किए जाते हैं इसलिए क्या है कि कानून साजी में वजीर अज़म का बरह रास्त जो है उसमें असर रसूख होता है और उसकी मर्ज़ी से कानून साजी होती है बेटा आप जिस तरह से अब इसकी मिसाल ले सकते हैं कि आपको पता है कि अब पी की गवर्नमेंट है और इस वक्त जो वज़़र अज़म है इमरान खान वो उनका तल्लक़ पी टी आई जमात से है तो जारी बात है वज़ी अज़म जो है वो अक्सरियत से जो है वो वज़ी अज़म मंतखब होता है नेशनल असम्बली में तो इस तरह से फिर कानून साजी में भी जब अक्सरीत का अमल होता है तो उसमें फिर वज़ी अजम जो है उसका बड़ा अहम किरदार है क्योंकि वो कायद अवान की हैसियत रखता है उसके बाद आप देखेंगे कि ये आ गया जी अप्रूवल ऑफ बिल्स के बाद नंबर टू जो है यह आ गया डिजोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली यानि कौमी असम्बली की तहलील तो वो कहते हैं देखें अगर मुल्क के अंदर क्या है कि अगर सूरत हाल जो है या हालात जो है वह नागुफ्त बे हो जाएँ यानी हालात अगर बहुत नासगार हो जाए तो और कौमी असम्बली को अगर उसकी मुक्र मुद्दत से पहले ही अगर बरतरफ करना ज़रूरी हो जाए तो वजीर अज़म को यह इख्तियार है कि वो सदर को कौमी असम्बली बरसखास्त करने का मशवरा दे सकता है तो यानी कि कौमी असम्बली को बरतरफ करना या बर्खास्त करने में भी वजी अजम जो है ये सदर पाकिस्तान को जो है वो मशवरा देगा और ऐसे मशवरा पर सदर पाकिस्तान जो है वो कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान कर देगा तो आपने जैसा कि देख लिया कि जो थी आपने देखा कि हमारा उन्नीस सौ तिहत्तर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके अंदर जो मौजूद आपने देखा कि जो आठवीं तरमीम थी या एट्थ अमेंडमेंट थी उसके मुताबिक क्या है कि सदर को ये इख्तियार हासिल था सदर को ये हक हासिल था कि वो जो है कौमी असम्बली को तहलील कर सकता है उसको डिज़ोल्व कर सकता है लेकिन अब क्या है कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो जो आइन है उसके अंदर जो है ये एटीनथ अमेंडमेंट ने जो है उससे ये हक जो है वो ले लिया है तो अब आपको पता है कि जो अठारहवीं तरमीम के तहत जो है सदर के पास ये अख्तियार हासिल नहीं है और उसके साथ साथ क्या है कि वज़ी अजम जो है अगर आप देखें कि अगर उसके ख़िलाफ़ अदम अतमाद की तहरीक के दौरान अगर कौमी असम्बली जो है उसको बर्खास्त करना मुमकिन नहीं कि अगर फ़र्ज़ किया कि वज़ी अजम के ख़िलाफ़ अतमाद की तहरीक चल रही है तो उस दौरान में उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता तो ये दो आपने देखा कि जो वज़ी अजम की यानी पार्स में या उसके जो अख्तियारत हैं उसमें उसके दो जो हैं ये लजस्लेटि पार्स हैं या उसकी दो जो हैं ये कानून साजी के मुतलक उसके अख्तियार हैं एक आ गया अप्रूवल ऑफ बिल्स यानी बिलों की मंजूरी और दूसरा आपने देख लिया कि डिजोलूशन ऑफ नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली की जो है बरतफी उसके बाद नंबर तीन और बड़ा अहम जो है ये आ गया फाइनेंशियल पार्स यानी जिसको हम बोलते हैं उसके मालियाती अख्तियार तो आपको पता है कि हकूमत की निगरानी में जो है वो बजट तैयार किया जाता है हुकूमत जो है उसकी निगरानी में जब बजट तैयार होता है तो आपको पता है कि इसकी तैयारी में वज़ी अज़म का मशवरा शामिल होता है और आपको पता है कि जब उसके रिगार्डिंग जब कानून साजी हो रही होती है तो अक्सरीत जो है उसकी जो मर्ज़ी या उसकी जो रज़ा है बहुत अहमियत रखती है तो आपने देखा कि और अक्सरीत की थी पार्टी जो है उसी का ही सरबरा जो वज़ी अज़म होता है तो अब क्या है कि जब ये बजट कौमी असम्बली के लिए, में मंजूरी के लिए पेश होता है तो वजी अजम जो है वो ऐवान का सरबराह होने के नाते से मुल्क के सालाना जो बजट उसकी मंजूरी पर असरानंदाज़ होता है ऐवान जो है उसमें अक्सरीत जो है वो बजट की मंजूरी अता करती है और ये अक्सरीत वज़ी अज़म को हासिल होती है तो बेटा इस लिहाज से आपने देखा कि जो फाइनेंशियल पावर्स हैं या जो जालियाती अख्तियार हैं उसमें भी आपने देख लिया कि वज़ी अज़म को जो है वो फोकियत हासिल है एक तो वज़ी अज़म जो है आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर या वज़ी अज़म वो क्या होता है लीडर ऑफ द हाउस है या वो कायद एवान है और फिर आपको पता है मालूम है कि वहाँ पर जब कानून साजी होती है तो जो अक्सरियत है उसको मद्द रखा जाता है तो चूँकि उसके पास अक्सरियत होती है इसलिए वो मालियाती मामला या बजट पर बराह रास्त और बहुत जो है ज़्यादा तरीके से जो है उस पर असरअंदाज होता है उसके बाद नंबर चार जो है ये आ गया फॉरेन अफेयर्स या जिसको हम बोलते हैं अमूर ख़ारजा के तलक अब देखें कि 2010 में 1973 के आयन में जब की गई अठारहवीं तरमीम के तहत क्या है कि वज़र अजम खारजा पॉलिसी मरतब करता है यानी हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जो डिज़ाइन जो है वो वज़र अज़म करता है और आपने ये देखा कि चूँकि वो काबीना का सरबरा होता है यानी आप देखें कि ही इज़ द हेड ऑफ़ कैबिनेट और हेड ऑफ़ कैबिनेट में आप देखें कि कैबिनेट के अंदर ही जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो आती है तो जारी बात है कि वज़ी ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर पर वजे अजम की जो है मर्ज़ी से जो है वजीर ख़ारजा जो है उस पर उसकी मर्जी चलती है और वजी ख़ारजा जो, जो है वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो वज़र अजम के ज़ेर असर जो है वो उसको तय करता है वजीर ख़ारजा जो है वो वज़र अजम के डेफिनेटली मतहत होता है और वह वज़ी अजम के मशरे पर अमल करता है तो इस तरह से आपने देखा कि जो फ़ॉरन अफेयर्स में भी आपने देखा कि उसके पास किस कदर बड़ा अख्तियार है कि जो हमारी फ़ॉरन पॉलिसी है वो वज़र अजम के ही आ, उसकी हदायत में और उसकी ही ज़ेर निगरानी जो है वो तय पाती है उसके बाद नंबर फाइव जो है यह आ गया लीडर ऑफ हाउस या आपने देखा कि वो क्या है कायद एवान है अब क्या है पाकिस्तान में जो है वजीर अज़म के अहदे पर वही शख्स फायज़ रहने का हक रखता है जो कौमी असम्बली में पार्टी का सरबरा और कायद अवान होता है क्या आपको मालूम है कि ये भी एक जेन में रख लीजिएगा कि मिनिस्टर्स या वज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में से लिए जाते हैं दोनों ऐवानों में से लेकिन वज़ी अजम के लिए ये लाजमी है कि वो कौमी असम्बली जो है उसका रुकन हो और कौमी असम्बली में आपको पता है कि वो अरकान आते हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो आपने देखा कि उनको अवाम मंतखब करते हैं या उसके अलावा जो है कुछ लोग जो है वो मुंतखब जो या मखसूस नशस्तों उसके ऊपर भी आते हैं अब क्या आगे आपने देखा कि अब वजी अजम के अहदे पर वही शख्स जो है या वही मेंबर जो है वो कायम रह सकता है कि जो कि कौमी असम्बली में पार्टी का सरबरा है और कायद एवान हैं वज़ी अज़म जब वो मंतख हो जाता है तो उसके बाद क्या है वो पार्टी के मंशूर और मनसूबों के मुताबिक जो है वो अमल पैरा होने की कोशिश करता है और अपने साथियों की मदद से कारोबार हकूमत चलाता है तो आपने देखा कि वो क्या है अपने जो कायद अवान हैं यानी लीडर ऑफ द हाउस है और इस तरह से वो अपना जो पार्टी का मैनिफेस्ट जो उसका मैनिफेस्टो है उसको लेकर आगे बढ़ता है और उसके मुताबिक जो है वो हकूमत जो है उसकी पॉलिसियाँ जो है वो तय करता है और उसको लेकर उन पर अमल दरामद करता है उसके बाद नंबर सिक्स या नंबर छः जो है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन तो क्या है कि वो जो है कौम का नुमाइंदा है क्योंकि आपको मालूम है कि जो वज़ी अजम है वो आपने देखा कि वो चूँकि आप देखते हैं कि वो हमारी जो अवाम है वही एक तरह से उसे मंतख करती है क्योंकि जो अक्सरीती पार्टी है ज़ारी बात है कि अक्सरीती पार्टी जो है उसको अक्सरीत के साथ जो है अवाम ने ही मंतखब किया होता है तो अब उसके बाद क्या है कि उसी लिहाज से वो हमारी कौम का नुमाइंदा है तो आपने देखा कि वज़ी अजम जो है वो कौम का मंतख शुदाशुदा नुमाइंदा है कौम जो है उसको बहुत ज़्यादा इज्जत और तोक़ीर की निगाह से देखती है वो बैन अवी सतह पर जो है वो दौरों पर जाता है और अपनी कौम के अहम जो नुमाइंदे की हैसियत से जाना पहचाना जाता है इसलिए वहाँ अपनी कौम के तशखस और मुल्की अजमत को उजागर करता है तो वो क्या है जी रिप्रजेंटेटिव ऑफ नेशन या हम उस कह सकते हैं कि कौम का नुमाइंदा और उसमें जो है नंबर सेवन या जो लास्ट पॉइंट किया गया, गया वेलफेयर ऑफ पीपल यानी अवामी फलाह व बहबूद तो वज़ी अजम क्या है कि अवाम का नुमाइंदा और कायद होता है इसलिए वो आवाम की फलाहो बहबूद के लिए हमेशा अपनी काबीना समेत मसरूफ़मल रहता है काबीना मैं फिर बता देता हूँ पहले भी आपको बार बार बताया है कि काबीना से मुराद क्या उसके है, उसके वज़रा हैं और इस सिलसिले में वो अवाम की शिकायत का अजा करता है अवाम की शिकायत को दूर करने की कोशिश करता है यानी अवामी जो मिसाइल हैं उनका हल ढूँढने की कोशिश करता है सदर की हदायत पर तरक्याती कामों का अजरा करता है ताकि आवामी मसाइल जो है जल्द अज जल्द हल हो सकें तो बेटा ये आपने देख लिया ये हमारा आज का जो ये टॉपिक था अब ये आ गया पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कंप्लीट हुआ आपने देखा कि हमने इसे जो है टू पार्ट्स में हम इसे कंप्लीट किया वन मॉज जो है वो आपने देखा कि एक था हमारा एग्जीक्यूटिव पार्स और उसके बाद हमने उसकी देखी लेजिस्लेटिव पार्स और उसके बाद जो है हमने देखा कि उसकी जो फाइनेंशियल पार्स फ़ॉरन अफेयर्स और उसके बाद जो है हमने लीडर ऑफ हाउस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन और वेलफेयर ऑफ नेशन तो बेटा उम्मीद है कि आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आई होगी इन्हें जहन नशीन करें और मेहनत कीजिए एंड ट्राई टू बी द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक